नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। जय जवान जय किसान। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान योजना यानी कि सब्सिडी योजना 2023 के बारे में। अगर आप किसान हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके काम का वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं सब्सिडी योजना के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्र यानी कि उपकरण खरीदने हेतु अनुदान राशि प्रदान करने के लिए किसान अनुदान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को खेती करने के लिए नई तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो जानकारी वाला और थोड़ा लंबा होने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान अनुदान योजना हमारे किसान भाइयों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसानों को कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए 30% से लेकर 50% तक की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना में किसानों को 40 से 60 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बने और खेती बाड़ी की फील्ड में आगे बढ़ सके। और इस योजना का जो उद्देश्य मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्र के लिए सक्षम बनाना है। किसान अनुदान की योजना की जो मुख्य बातें आपके समक्ष है, लाभ उस स्थिति में प्राप्त होगा जब व्यक्ति अनुदान की पात्रता शर्तें पूरी करता हो। अगर किसी वजह से आपका आवेदन निरस्त हो जाता है तो आपको आगे के 6 महीने तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं प्रदान की जाएगी। एक बार डीलर का चयन होने के बाद डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा। किसी योजनागत अपात्र कृषकों को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन कार्य स्वीकृत आदेश जारी किया जाएगा। और जिस तरीके से आपके समक्ष जो योजना है उसके लाभ भी देख लीजिए। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान करने के लिए किसान के लिए अच्छे उपकरण खरीद सकता है। एमपी किसान अनुदान योजना का लाभ केवल प्रदेश के किसानों को ही प्राप्त किया जाएगा। इस योजना के तहत 30 से 40-50% तक की अनुदान राशि प्राप्त की जाएगी। एमपी किसान योजना के तहत किसानों को 40 से 60 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और कोई महिला किसान है तो उसके लिए नियम में अलग से छूट प्रदान की जाएगी। किसान अनुदान योजना की जो सांख्यिकी आपके समक्ष है, कितने डीलर है, किससे पंजीकृत डीलर है, पंजीकृत आवेदन कितने हो चुके हैं और कुल आवेदन जारी कृषि यंत्र की जो लिस्ट है आपके समक्ष है, ये लिस्ट में अब कुछ बढ़ोतरी भी हो चुकी है, आंकड़े कुछ कम बढ़ती हो सकते हैं। कृषि उपकरण जो इस लिस्ट में शामिल है उसकी लिस्ट भी आप देख लीजिए। और इस योजना के पात्र व्यक्ति जो ट्रैक्टर के लिए अगर मान लो कोई आवेदन करता है तो उसके लिए लिस्ट में आपको जो चीज़ें वो आपके समक्ष दिख रही है। एमपी किसान योजना के लिए पात्र व्यक्ति की जो श्रेणी है वो भी आपको बताई गई है और जो ट्रैक्टर में पावर टिलर में किसी एक पर ही अनुदान लाभ प्राप्त किया जा सके वो भी आपको बताया गया है। ट्रैक्टर से चलाने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र के लिए क्या शर्तें हैं वो भी आप देख लीजिए। इसमें 5 वर्षों में अत्यंत कार्य विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त हो, यानी कि डबल से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही बार उसने लाभ प्राप्त किया हो। तो किसान अनुदान की जो 2023 के लिए जरूरी दस्तावेज है वो उसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, B1 की प्रति, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, साथ में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये सब आपके पास होना जरूरी है 2023 में। जो जरूरी दस्तावेज है इसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। और इस एप्लीकेशन के लिए जो भी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं पंजीकरण, उसके लिए आप लिस्ट देख सकते हैं किस तरीके से 2023 में जो आवेदन करना चाहते हैं वो इस तरह की आपको साइट खुलकर दिखेगी और स्क्रीन पर दिख रही है इस तरह के उसका डिज़ाइन है। संपर्क करने के लिए आपको कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ऑफिस कॉम्प्लेक्स B ब्लॉक गौतम नगर चेतक ब्रिज के पास भोपाल, उसके नंबर भी दिए हैं, दूरभाष क्रमांक नंबर भी दिए और ईमेल आईडी भी आपको दी गई है। आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है या किसी तरह की कंप्लेन करनी हो तो आप कर सकते हैं। और ये जो ऐप है वो दी गई है आपके समक्ष, इस तरह का फ्यूचर उसमें दिखाया जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया।